जय घूमा रे अनमोल रतन। हैप्पी रक्षाबंधन भाई साहब। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन। हमारी खीर गर्मा गर्म तैयार है। पिया मोरे क्या खा लो मीठा और भोगे लेवेर आए हमर जोड़ बचरा बड़ा परेशान कर देती हूं। हाय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल की न्यू वीडियो न्यू व्लॉग में। उम्मीद करती हूं कि आप सब एकदम बढ़िया होगी। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग। आज रक्षाबंधन है, 11 अगस्त है। आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे हर चीज़ जैसे कि डबल डबल मनाई जाती है, कोई 11 को कह रहा राखी, कोई 12 को कह रहा राखी, हर बार की कंफ्यूजन होती है ये। लेकिन हम लोग 11 को मना रहे हैं क्योंकि हमारी जो पंडित हैं उन्होंने वहाँ पे कल मैं देख के आई थी 11 तारीख का लिखा हुआ था। तो अभी सुबह की शुरुआत हो चुकी है, मम्मी और मैं मंदिर जाने लगे हैं। तो पंडित जी से पूछूंगी क्या शुभ टाइम है राखी बांधने का, उस हिसाब से किसी की कढ़ाई पर राखी बांधूंगी। आज तो सुबह सुबह घर के बाहर ही गौ मैया मिल गई। जय गौ माँ, जय माता दी। किसकी मेहंदी ज्यादा रची है? मेरी ज्यादा रची है, मेरे भाई मुझे ज्यादा प्यार करते हैं। मम्मी ना भी गाना गा रही थी, मेरे को ना बड़ी हंसी आई। क्या गा रही थी बताना? घर से निकलते ही कुछ दूर जाते ही है हमारा मंदिर, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है हमारा मंदिर। क्या बात है, क्या बात है, क्या मस्त गाया यार, मैं मौज कर दी। ये देखो वो मैंने बर्तन ही उठा लिया। यहाँ पर काफी सारी चींटियां हैं तो मम्मी चावल के दाने डाल रही हैं चींटियों के लिए। बैंगन का पेड़, ये देखो बैंगन का पेड़ दिखाई दिया। अपनी हरियाली खेती में लगाने के लिए बैंगन का पेड़ लेकर आई है। पूजा पाठ कर लिया, अभी हमने जा रहे हैं घर की तरफ वापस। पंडित जी से मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया कि 10:30 बजे के बाद राखी बांधी जा सकती है क्योंकि पूर्णमासी में राखी बांधी जाती है और अभी पूर्णमासी लगी नहीं है। 10:30 बजे बाद लगेगी। और भट्ट फैमिली की तरफ से, जोशी फैमिली की तरफ से आप सभी को राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी भाई बहनों की जोड़ी बनी रहे, आप सभी का प्यार आपस में बना रहे। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, भाई बहन का रिश्ता बहुत प्यारा होता है। मुझे तो अपने दोनों भाई बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। भगवान दोनों की उन्नति करे खूब सारी और उनकी कमाई में बरकत करे और मेरे भाइयों की सेहत सही रहे, लंबी सारी उम्र हो उनकी। मम्मी आप भी बोलो बधाई दो सबको, जन्माष्टमी की बधाई हो। वाह वाह, राखी की सबको बधाई हो, बहुत 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 बहुत। और मेरी शुभकामना मेरे भाइयों की तरफ पहुँचे। हाँ। और मेरे भाई की बहुत लंबी उम्र हुए, खूब तरक्की करे, रोग कष्ट ब्याह जो भी है सारा दूर हुए। हाँ। और खूब खूब तरक्की करे। मैं इतना ही कह सकती हूँ, दूर बैठी हूँ, खुशी होती मैं चले जाती हूँ। राखी भेजी मैंने, पैसे भेजिए, मेरी भतीजी ला के देगी उनको। बस, और तो ये मम्मी का राखी सेलिब्रेशन है, मम्मी ने पैसे भेज दिए हैं। और वो पता नहीं क्या चक्कर है यार, बदरपुर के एड्रेस पे राखी जाती नहीं, हमने कितनी बार सेंड किए पहुंचती नहीं है वहाँ तक राखी। तो इस बार हमने पैसे ही दे दिए कि अपने आप कर लेंगे वो लेकर, क्या करें, और कोई ऑप्शन नहीं था। पिछले भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं जमाने की कोई चीज ना लूं। मेरे भैया मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज ना लूं। ऐसे बाइक बाइक वाले निकलते हैं ना, मम्मी डर जाती है कहीं फोन ना चढ़ा के ले जाए यहाँ से। सच में यार हमारे यहाँ का माहौल हो भी ऐसा रहा है, फोन छुपा लेते हैं, घर जाके फिर दोबारा फोन बाहर निकालेंगे। ठीक है कि भाई साहब की यहाँ पर चल रही है एडिटिंग। रिप्लाई, अच्छा रिप्लाई कर रहे हो भी। हैप्पी रक्षाबंधन भाई साहब। हैप्पी रक्षाबंधन। बड़े भैया को कॉल करके देखती हूँ अगर उठ गए हुए तो। मिल जावा। हेलो, नमस्कार भैया। नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया। सो रहे हो क्या? हाँ उठा हूँ अभी। अच्छा, हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन आज ही मना रहे हो क्या? रक्षाबंधन तुम क्या कह रहे हो?
रक्षाबंधन आज मना रहे हो क्या? हाँ जी हाँ जी, आज ही मना रहे हैं। मैं गई थी ना अभी मंदिर जाके आ रहे हैं हम, तो पंडित जी ने बोला कि 10:30 के बाद पूर्णमासी लग जाएगी, फिर बांध लेना। आज मौसम बहुत ही सुहावना हो रहा है, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। अभी छत पे आई हूँ पौधों में पानी डालने के लिए, बाल्टी भर रही है, पीछे पानी चला रखा है। अभी भैया से बात करते करते थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई थी मैं, क्योंकि लास्ट ईयर हम लोग साथ में थे, काफ़ी सालों के बाद लास्ट ईयर हमने साथ में राखी बनाई थी। लेकिन इस बार भैया वहाँ है, पौंडीचेरी है, कहीं नज़दीक होते तो राखी बांधते, साथ में सेलिब्रेट करते, पंख होते तो उड़ आती रे। और रक्षाबंधन मुबारक हो तुम्हें। बहुत बहुत तुम्हन कल सेम मम्मी को मैं मेरी शादी से पहले दिल्ली लेकर गई थी, वो राखी थी जो मम्मी ने अपने भाइयों के साथ सेलिब्रेट की थी। मम्मी बहुत रेयर होता है कि जाती हैं, तो ऐसे ही फ़ोन पे विश करती हैं हर साल, तो अभी भी फ़ोन पे ऐसी विश कर रही हैं। अभी फ़िलहाल मम्मी फ़ोन पे बात कर रही हैं बदरपुर मामा औरों से, और यहाँ पर शिमला मिर्च और आलू की सब्जी की तैयारी की जा रही है। ये राखी स्पेशल है, राखी में आलू और शिमला मिर्च खिला रहे हो यार, कम से कम पनीर तो लाते। आरती यार तेरे को बिल्कुल शर्म नहीं, पनीर खिलाती है अपने भाई को यार राखी पे तू। ये शिमला मिर्च खिला रही है, शिमला मिर्च के बीच में पनीर डाल देते कम से कम। ओ माय गॉड भैया, इतनी महंगी नहीं माननी। अब देखो, अब ये इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि आप कितने पैसे दे रहे हो। शाम को भी बन जाएगा, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, शाम को तो हम बाहर खाएंगे। अच्छा, ऐसा प्लान है? रोज बाहर ही खाते हैं, आज भी खा लेंगे। सब ठीक ठाक चल। छोटी मम्मी से बात कर रही हूं। मम्मी मुबारक हो तुम्हें। तो अभी सुबह के तकरीबन 10 बज चुके हैं, मैंने अभी ब्लॉग एडिट कर दिया है, आपके कमेंट्स की रिप्लाई कर दी है। रिप्लाई तो खैर दिन भर करते रहो, वो खत्म नहीं होते, लेकिन ब्लॉग मैंने फिलहाल एडिट कर दिया है। और स्पेशल अभी मैं बनाने लगी हूँ खीर, इतनी बड़ी सारी कढ़ाई अभी चढ़ा दी है, अभी जस्ट स्टार्ट होने वाली है। खीर कैसे बना रही हूँ वो आपके साथ शेयर करूंगी हल्का सा। थोड़े से बादाम लिए हैं जिनको मैंने बीच से काट लिया, सिर्फ दो हिस्सों में काटा गया है। यहाँ पर हमारा देसी घी गर्म हो चुका है, तो इसको डाल देते हैं। दाखा भी डालूं? मम्मी ने कहा थोड़े किशमिश डाल लो, तो 2-4 दाने किशमिश के भी डाल दिए हैं। हल्के से क्रंची क्रंची हो चुके हैं हमारे ड्राई फ्रूट, तो अभी इनको बाहर निकाल देते हैं। तकरीबन घंटा पहले ये चावल भिगा के रखे थे पानी में, अभी इनको एक बार फिर से पानी में साफ करके निकाल लिया है, पानी निकाल लिया है इसका। अब देसी घी से ड्राई फ्रूट बाहर निकाल लिए मैंने यहाँ पर, और अभी चावल डालने लगी हूँ। चावलों को देसी घी में अच्छे तरीके से भून लेंगे अभी हम। अभी हमारे चावल काफ़ी हद तक भून चुके हैं, अभी इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड करने लगी हूँ इसको पकाने के लिए। तकरीबन 1 गिलास पानी मैंने इस गिलास से यहाँ पर डाला है। कुछ लोग दूध में भी पकाते हैं, लेकिन फिर वो ना खड़े खड़े से रह जाते हैं, अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो पाते, तो थोड़े अभी मैं इनको पहले पका रही हूँ दूध ही सॉरी पानी में, उसके बाद इसको दूध में पकाया जाएगा। ये हमारे चावल बढ़िया तरीके से पक चुके हैं, अभी कोशिश करेंगे कि इन चावलों को बारीक बारीक कर लिया जाए। मम्मी भी आ गई है बीच में। साथ में दूध भी डाल दिया जा रहा है। देखिए अभी आपको दिखाई दे रहे होंगे चावल के दाने काफी हद तक बारीक हो चुके हैं। लीजिए अभी दूध डाल दिया गया है। वैसे तो चावल हमारे पक चुके हैं, लेकिन थोड़ी देर और दूध के साथ इन चावलों को पकने देते हैं। अभी हमारी खीर ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, इसमें थोड़ा और दूध डाल दिया है, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, चीनी डाल दी है। बस 2 मिनट सिम गैस पे से और पकने देंगे, उसके बाद हमारी खीर गर्मा गर्म तैयार है। चलिए पहले मंदिर में भोग लगा देते हैं। आओ मेरे प्रभु जी भोग लगाओ, आओ मेरे हरि जी भोग लगाओ, आओ आओ अब देर न लाओ, आकर भोग लगाओ गरीब का, आओ मेरे प्रभु जी भोग लगाओ, आओ मेरे हरि जी भोग लगाओ। यहाँ पर पापा अपनी डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं, तो भी यहाँ पर प्लेट तैयार कर रही हूँ मैंने। अपना सामान तो सारा रख लिया है, ये कुछ सामान कल शालू लेकर आई थी, तो वो सामान भी अभी मैं बीच में मिक्स कर रही हूँ। उसका भी नाम होना चाहिए, उसका हिस्सा लेना चाहिए बेचारी लेकर आई इतने प्यार। तो ये आरती शालू का भी सामान बीच में डाल रही है। ये शालू की ये गिशी के लिए राखी लाई थी, ये मेरे लिए लाई थी, ये कितनी प्यारी है, मेरी वाली ज्यादा सुंदर है। हाँ, आरती ने मेहंदी भी लगाई है रात को, ये देख लीजिए आरती की मेहंदी वाली हाथ। और इसने हाथ में क्या लिखा है? ये लिखा है गिरीश भट्ट, ये लिखा है राकेश भट्ट, बड़े भैया का नाम।
बड़े भैया को भी आरती ने राखी भेज दी है ना आरती, छोटी भाभी का और गिरीश का घर एक जैसे ही पाएंगे। और मैंने सिंपल गिरीश को बिल्कुल सिंपल राखी चाहिए, तो बड़ी मुश्किल से ये ढूंढकर पूरे बाजार में से मिली है सिंपल। एक और भी तो लाई थी मम्मी, वो कहाँ गई? एक और भी है, ये वाली है। नहीं ये संतरी पहन लूंगा, और ये भी अच्छी लाई है शालू, मेरे को अच्छी लगी, सिंपल है। आओ चलो बैठते हैं। और चांदी का ले, है चांदी की राखी, पता लग गया मम्मी ने बोल दिया, आरती मम्मी को गुस्सा कर रही है, मेरे को पता लग मम्मी गया। मेरा हर प्लान फ्लॉप करती है हमेशा। चलो चांदी की राखी भी है, बोलना नहीं था देख लो। ओए होए 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 होए, ये जो दीपक आरती तूने जलाया है ना, डर भी रही है कहीं बुझ ना जाए। Happy birthday to you, Happy Rakhi to us। पापा वैसे मौसम बाहर अच्छा। Happy Rakhi भैया। Thank you, thank you। Happy Rakhi mummy। ये देखो हलाल करने से पहले ऐसे फूल छिड़के जाते हैं। भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना, जितने पैसे सारे मुझे दे जाना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, एक बारी हो मेरे सारे सपनों को सच कर जाना। भैया मेरे, मैंने तो चार पांच गांठे इकट्ठी मार दी, खुले ही मत। भैया मोरे राखी के, अच्छा कितनी राखियां बांधे? अच्छा ये तो उसकी बांध रही हूं शालू वाली है, और ये शालू की तरफ से राखी बांधी जा रही है अभी। ये चांदी है, ये चांदी इधर वाला जो बीच वाला है वो चांदी नहीं है। तुम क्या चांदी नहीं है, चांदी नहीं लगा रखी, चांदी की है ये तो। इनके देखना क्या डिस्कशन चल रही है कि राखी चांदी की नहीं है। वाह, कहां से लाई आरती वैसे तू ये? दुकान से। Very nice। ऐसे जो झूले से बना लिए मेरे हाथ में। मेरी राखी की डोर कभी हो ना कमजोर, भैया खा लो मिठाई बहन लाई है। भैया खा लो मिठाई बहन लाई है। पापा आप ऐसे मुंह क्यों कर रहे हो? पापा कितना ड्रामा करते हैं। वाह कितना टेस्टी रसगुल्ला लाया ना। कौन सा गिफ्ट? मैं गिफ्ट का है पता नहीं है। ये ले 500 रुपए मैं बांध लूंगा। 500 रुपए बहुत है दे दिए मम्मी। 500 रुपए दे रहा है फिर क्या हो गया? लेट मी चेक। 500 रुपए हैं ले ले चुपचाप। 100 रुपए ये तो। और ये ले माहिका का बर्थडे गिफ्ट लेने गए थे ना जिस दिन वहाँ पे टॉय शॉप पे। ये टॉय मुझे बहुत पसंद आया था, मैं माहिका के लिए भी ये पसंद कर रही थी। फिर गिशी कह रहा नहीं कार देनी है करके, फिर ये गिशी मेरे लेके आया। पापा भी पैसे देंगे, ओके पापा पैसे देंगे तो पापा को भी बांधूंगा। जो पैसे देगा उसको राखी बांध देगी। नहीं लड़की बांध सकती है, पंडित जी बांध सकते। बुआ जी देखिए आपकी राखी आपके भैया के हाथ में मैंने बांध दी है। तो यहाँ पे बुआ जी नहीं है ना, तो आरती पापा की राखी बांधती है जब भी घर में होती है, तो पापा राखी बंधवा रहे हैं। बुआ जी ने वैसे राखी भेज दी थी पापा के लिए। पापा मेरी भी रक्षा करना, अपनी बहनों की भी रक्षा करना, हमारे पूरे परिवार की रक्षा करना, आप हमारे रक्षक हो। धन्यवाद। माँ के भी राखी बांध दी है आरती ने। बहुत है भैया, आपने 100 रुपए दे दी है। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये देखो मम्मी आरती को हरियाव भी पूज रहे हैं साथ साथ, क्योंकि आरती का हरियाव रह गया था। और शनाया भी हमारे घर में आई है, वो देखो। जी रे जाग रे बच रे ये दिन मार भेंदे रे, लाख हरे आई लाख पिछुवी लाख शिव पंचमी लाख चतुर्थी और क्या बोलते हैं। मम्मी दे लो पापा से पूछी यार ये पीछे। पाती जा पौ आए, पाती जा पौ आए, दुबे जा जड़ होए, और परमात्मा चाहे अगले बार और भोग लिवेर आए और भाइयों को राखी बांधने
और तुम्हारे झालू मालू हो जो त्यार झालू मालू है जो और तुम्हारा जोड़ बचिरो तुम्हारे भैनो जोड़ बचिरो और त्यार दियोर नंद सारे परिवार बचिरो खूब अच्छी मती आए भल मती आए आप पापा जी मेरे ई लाग भगवई लाग के तो ई लाग सुनी जीरे जागरे बचरे यदि ने मार बैठने रे त्यार अमर जोड़ बचरो त्यार सास नंद सब बचरो दियोर बचरो ओ आरती ने गिज तान दी है ये आरती रोने लगी है ओ देखो ओ ओ ओ चार वे गाजियाबाद प्रधान बनती कभी एमएलए बन जाए कभी प्रधान बन जाए अच्छा हरियाणा के पैसे भी देते हैं चाचू मेरे राखी के बंधन को निभाना बुआ मेरी राखी के बंधन को निभाना तो पिताजी सबसे पहले अभी टेस्ट कर रहे हैं खीर कैसी बनी है पापा वाओ हाँ जी हाँ ठीक ठाक हूँ आप ठीक ठाक हो हाँ जी हाँ राखी आज मना रहे राखी आई थी आपकी हाँ जी हाँ आपको भी बधाई हो अभी मेरी कलाई पर दो राखियाँ बंधी हुई हैं एक तो आपके सामने अभी सनाया ने बांधी और दूसरी जो राखी है ये कल शालू देकर गई थी रात मम्मी ने एक ही हाथ में मेहंदी लगवाई थी तो अभी दूसरा हाथ ऐसे फटाफट फ्राड़ भरा है जरा 5 मिनट में मेहंदी लगाई है पीछे करना मैं हाथ बस ये कि हाथ भर दिया है कुछ खास नहीं किया मम्मी इतना सूटती है ना मेहंदी लगाते हुए इतना सूटती है इतनी मुश्किल से मेहंदी लगती है ना इनके हाथ में सच में बड़ा परेशान कर देती है मम्मी 50 बार सोती सोती उठाई है मैंने उड़ जाओ उड़ जाओ उड़ जाओ फिर लगा दी है अरे एक ही हाथ में लगाई थी ना रात अभी कह रहे लगा दे लगाने लगी सोई जा रही है बड़ी मुश्किल से लगाई अच्छी लग रही है आई थिंक फुटेज काफ़ी रिकॉर्ड हो चुकी है तो ठीक है गाइज आज की वीडियो आज का ब्लॉग यहीं तक था उम्मीद करती हूँ कि हमारा जो रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन है आपने इसको काफ़ी इन्जॉय किया होगा आपका रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन कैसा रहा आपके भाइयों ने आपको क्या क्या उपहार दिया ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में बड़े भैया ने भी मेरे लिए शगन सेंड किया था मैंने भी बुआ जी के लिए शगन सेंड किया था पापा जी की तरफ से तो ये प्रेम प्यार का छोटा सा रिश्ता है ज़रूरी नहीं होता बहुत भाड़ी भरकर एक दूसरे को गिफ्ट दो है ना बस प्रेम प्यार का रिश्ता प्रेम से निभाओ इतना काफ़ी होता है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो मुसीबत के समय पर एक दूसरे के साथ खड़े रहो ये नहीं है कि राखी का एक लौता दिन है उसी दिन आपने एक दूसरे से बात करनी है भाई बहन का रिश्ता है दुख सुख आपस में बांटा करो बातचीत किया करो आपस में सभी का प्यार बना रहे सभी की जोड़ियाँ बनी रहे भाई बहनों की यही दुआ करती हूँ आप सबके लिए सब कुछ अच्छा था लेकिन आज मैंने बड़ी भाभी को भैया को मन्नू को छोटी भाभी को मेरे इन लॉज को काफ़ी मिस किया उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला टाइम सबके लिए अच्छा हो तो ठीक है गाइस करती हूँ ब्लॉग का एंड बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा या ये आहा आहा